जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, माँ जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी, आप सभी का कल्याण करें ऐसी कामना हम माँ जगज्जननी के चरणों में अर्पित करते हैं। आज का तंत्र मंत्र के ऊपर विशेष ज्ञान, नकारात्मक ऊर्जा। भारत में अधिकांश घरों में आजकल नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है। नकारात्मक तंत्र मंत्र को बहुत से मनुष्य आजकल अपनाने लगे हैं, नकारात्मक न कि सकारात्मक। जब कोई व्यक्ति एक भाई दूसरे भाई को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता है, या एक बहन दूसरी बहन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखती है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता है, एक नेता दूसरे नेता को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता है, एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को ऊंचा उठते हुए देखता है, तो जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जलन है उसके मन में, उसके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, लोभ लालच उत्पन्न हो जाती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है, मन कुंठित हो जाता है। इस तरह से उसके मन में ये सब चीज़ें घर कर जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है कि वे दूसरों की सफलता को, उन्नति को, समृद्धि को स्वीकार नहीं कर सकते। और ऐसे उस व्यक्ति से जो ऊपर उठ रहा है, उससे प्रतिशोध की आग में जलने के लिए, उसको जलाने के लिए काले जादू से उसको परेशानियां उत्पन्न करते हैं, और दूसरों को परेशानी उत्पन्न करके ऐसे व्यक्ति, नकारात्मक व्यक्ति आनंद महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ये जीवन की आज मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के ऊपर तंत्र विद्या करवाता, एक बहन दूसरी बहन के ऊपर तंत्र विद्या करवाती है, भाई भी बहन के ऊपर करवाता है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के ऊपर कराता है, पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर कराता है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर कराता है कि वो कैसे पास हो जाए, एक नेता दूसरे नेता के ऊपर करवाता है। तो एक दूसरे से जब कोई नकारात्मक व्यक्ति जब आगे नहीं बढ़ता है, कुंठित हो जाता है, निराशा उसके हाथ लगती है, तो वो तंत्र विद्या का सहारा लेकर के जो आगे प्रगति करता है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और वो अवरोध उत्पन्न जो होते हैं वो काला जादू के माध्यम से होते हैं। दूसरे व्यक्तियों को काला जादू के माध्यम से प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, चोट पहुंचाने का काम करते हैं, एक्सीडेंट करने का काम करते हैं। और यह जो कार्य किया जाता है, यह विशेष क्रियाओं के माध्यम से दूसरों के ऊपर तंत्र विद्या की जाती है, यानी शमशानी विद्या, कलवा वीर की विद्या, मुंजा की विद्या, गंदी विद्या की जाती है। और जब क्रिया करते हैं तो इस क्रिया के प्रभाव से हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति पर भी उसका असर होने लग जाता है। हमारे जो बहुत से शास्त्र हैं, उनमें इस काले जादू को अभिचारिक कर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसमें काला जादू नहीं लिखा है, उसमें लिखा है अभिचार कर्म, यानी अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है।
काला जादू यानी नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसे परेशान करना, उसे अपने वश में करके इस्तेमाल करना या उसे बर्बाद कर देना। अब जिसके ऊपर ऐसी नकारात्मक शक्तियां लग जाती हैं, तो जो नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है उसके कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं। जैसे मानसिक रोगी हो जाता है, मन स्थिर नहीं रहता है, अपने कही बात पर स्टैंड नहीं रहता है, सांस में भारीपन आ जाता है, तेज कदम से चलने लगता है या बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, गले में खिंचाव रहता है, जांग पर नीले रंग के निशान बने रहते हैं, घर में ग्रह कलेश होने लग जाता है। कोई कारण नहीं होता परंतु ग्रह कलेश हो जाता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होते रहता है और घर के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु भी हो जाती है, अकाल मौत हो जाती है। अचानक से बीमार पड़ेगा, दो चार दिन में निपट जाता है। बिना वजह घर में परिवार में झगड़ा होता रहता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता रहता है, माँ बेटी में झगड़ा होता रहता है, बाप बेटी में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, देरानी जेठानी में झगड़ा हो जाता है, सास बहू में झगड़ा हो जाता है, बिना किसी वजह से। अचानक व्यवसाय में हानि हो जाती है, आग लग जाती है, पैसे गिर जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और भी लक्षण मैं बताने जा रहा हूं। हृदय में बहुत भारीपन रहता है, नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है कि घर में कोई है, भारीपन महसूस होना है, किसी की मौजूदगी महसूस होती है, ये मान करके चले। और ग्रह कलेश होना, ये तो बहुत साधारण बात होती, पति पत्नी में शारीरिक संबंध भी नहीं बन पाते हैं, लिंग छोटा हो जाता है, स्त्री गुप्त रोगी हो जाती है, व्यक्ति अशांत रहने लग जाता है, उसे किसी भी तरीके से शांति नहीं मिलती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, निराशा कुंठा तथा उत्साह की कमी हो जाती है। निराशा उसके मन में आ जाती है, उसमें कुंठा भर दी जाती है और उत्साह की कमी आ जाती है। ये सब तंत्र विद्या की वजह से होता है, आप मानो या ना मानो। तो पहले आप अपने घर परिवार में आसपास में अपने प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करो कि कहीं वो तो शत्रु नहीं है। और यदि काला जादू को यह नकारात्मक ऊर्जा का समय रहते उपाय नहीं किया जाए तो यह विनाशकारी हो जाता है। इसलिए इलाज जितनी जल्दी हो सके कराओ। जो मैंने सिम्टम बताए, यदि ये सिम्टम आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर है या आपके ऊपर भी है तो तुरंत इलाज करवाओ, अन्यथा विनाश से कोई नहीं रोक सकेगा। और यह विनाश भयानक भी होता है, घातक भी होता है, और जिंदगी तबाह हो जाती है, मनुष्य बर्बाद हो जाता है, घर बिखर जाता है। और ऐसी भयानक लाइलाज बीमारियां लग जाती है जिससे उसकी घर परिवार दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी सब कुछ बिक जाता है। और यह इसलिए होता है कि हमारी कुंडली में कई बार सूर्य ग्रह कमजोर होता है, चंद्र ग्रह कमजोर होता है, शनि ग्रह कमजोर होता है, मंगल ग्रह कमजोर होता है, यानी ये चार ग्रह सूर्य चंद्र शनि मंगल और राहु, ये पांच ग्रहों के खेल की वजह से मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। यानी जिसका सूर्य कमजोर हो जाता है, लग्न कमजोर हो जाता है, काला जादू का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है।
यदि कुंडली में ग्रहण योग है, चाहे चंद्र ग्रहण योग हो, सूर्य ग्रहण योग हो, तो ये मान के चलें कि ऊपरी बाधा लगती ही लगती है। आपको उसका इलाज पहले से करके रखना है। रक्षा कवच आप लेकर के रखें, राहु को शांत करके रखें, उसके लिए भी लाकेट आता है और तावीज़ भी आता है। यदि आप चाहें तो रक्षा कवच, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आप वो लाकेट पहन सकते हैं। यदि कुंडली में ग्रहण योग हो तो उसका प्रायश्चित कर लें। यदि कुंडली में राहु अनिष्टकारी स्थिति में हो, शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ती हो और मंगल शनि आमने सामने हो या एक साथ बैठा हुआ हो, तो इसका भी प्रायश्चित कर्म होता है। ये पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए आपको इस जन्म में तंत्र विद्या के माध्यम से कष्ट भोगना पड़ता है। यदि कुंडली के अंदर चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ हो तो भी यह नकारात्मक संयोग कहलाता है। तो यहां पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि नकारात्मक ऊर्जा क्यों लगती है, हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से लगती है, और वह पाप कर्म हमें जन्म पत्रिका में देखने को मिल जाते हैं। यानी मंगल खराब बैठा हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य शनि आमने सामने हो, चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ हो, यानी विष योग भी बैठा हुआ हो, काल सर्फ दोष भी हो, मंगल दोष भी हो, तो ऊपरी बाधाएं लगती है। यदि कुंडली में शनि राहु केतु मंगल में कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ पति पत्नी वाले स्थान पे, तो वहाँ पर भी ऊपरी बाधा से परेशान होने की संभावना बन जाती है। यानी शनि मंगल राहु की युक्ति एक साथ हो तो प्रेत बाधा लगेगी ही लगेगी, कोई न कोई आपके ऊपर तंत्र बाधा करेगा। और यह जो आता है, यह महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आता है। और कई बार व्यक्ति अभिचारिक कर्म से ग्रसित हो जाता है। अभिचारिक कर्म का मतलब नकारात्मक ऊर्जा, यानी मारण प्रयोग हो गया हो, सम्मोहन प्रयोग हो गया हो, उच्चाटन प्रयोग हो गया हो, विद्वेषण प्रयोग हो गया हो, तो मान करके चलें ये सब ऊपरी बाधा के लक्षण होते हैं। और इन सब के बारे में हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, अग्नि पुराण में भी लिखा हुआ है। और तंत्र विद्या के लिए नारद पुराण के अनुसार भी, मत्स्य पुराण के अनुसार भी षट कर्म बताया गया है। यानी माँ जैसा मैंने बताया आपको कि षट कर्म का मतलब छह कर्म होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से कराए जाते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण। वशीकरण भी इसी में आता है। स्तंभन, ये छह कर्म जो है नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होते हैं। और बहुत से प्रयोग भी होते हैं, मारण प्रयोग, मोहन प्रयोग, स्तंभन प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग, वशीकरण प्रयोग, आकर्षण प्रयोग, यक्षिणी प्रयोग, रसायन तंत्र, रसायन क्रिया के माध्यम से भी प्रयोग होता है। यह नौ प्रयोग होते हैं। और इन सब के लिए जो साधक मनुष्य होते हैं, देवी देवता वाले, अघोरी लोग कह लीजिए, शिव साधक कह लीजिए, सव साधना करने वाले कह लीजिए, शव के ऊपर हवन करने वाले कह लीजिए, भैरव साधना करने वाले कह लीजिए, नाग साधना करने वाले कह दीजिए, पेशाचिक साधना करने वाले कह लीजिए, यक्षिणी साधना करने वाले कह लीजिए, रुद्र की साधना करने वाले कह लीजिए, परम शिव की साधना करने वाले कह लीजिए, ऐसे मनुष्य ही ये षट कर्म करते हैं और नौ प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं। ये सब निम्न स्तर की शक्तियां हैं।
और इस विद्या के माध्यम से किसी को नजर लगाई जा सकती है, किसी के अंदर प्रेत भेजा जा सकता है, किसी के मानस मस्तिष्क को खराब किया जा सकता है। और ऐसा भी माना जाता है हमारे यहां पर कि कई बार सर्प बिच्छू विषैले जो होते हैं उनके माध्यम से भी तंत्र किया जाता है, जहर भेजा जाता है। तांत्रिक साधना जो है वाम मार्गी होती है, दक्षिण मार्गी होती है, मध्यम मार्गी होती है। मारण कर्म के अंतर्गत जो है किसी को मृत्यु दे दी जाती है, मृत्यु या फिर मृत्युतुल्य कष्ट दे दिया जाता है। वायु तत्व बढ़ा करके उसकी याददाश्त को नष्ट कर सकते हैं, मतलब मानसिक बीमारी दे सकते हैं। कानों में सनसनाहट की आवाज आ सकती है, नसों व हड्डी में पीड़ा हो सकती है, बीमारी दी जा सकती है। पित्त तत्व को बढ़ा करके पाचन शक्ति को खराब कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से तंत्र विद्या के माध्यम से यानी षट कर्म के माध्यम से मनुष्य को बर्बाद किया जा सकता है और करते हैं। तो हमारा आपसे ये प्रार्थना है, अनुरोध है कि भगवान ने आपको जब ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो कृपया आप जो है अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा लें। और जब पत्रिका चेक कराएंगे तो उस पत्रिका में ये सब दोष निकल करके आते हैं कि किसके ऊपर तंत्र विद्या लग सकती है, उसके लिए पहले से ही आप रक्षा कवच धारण कर सकते हैं। और रक्षा कवच देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त किया जा सकता है 7649862712 के माध्यम से, 7987237885 ये दो व्हाट्सएप नंबर हैं, इनसे आप रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। और जन्म पत्रिका को चेक भी करवा सकते हो कि ऊपरी बाधा लगेगी कि या नहीं लगेगी। जब लग जाएगी, पागल हो जाएगा लड़का लड़की या कोई भी परिवार का सदस्य, तब आप भगते हो कि साहब अब इसका इलाज कराना पड़ेगा, पहले से क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा सा पैसा खर्च करो ताकि आप अपने परिवार की रक्षा कर सकें। परंतु मनुष्य अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि वो थोड़े से पैसे के चक्कर में अपने परिवार के सदस्य को हानि पहुँचा देता है। इसी प्रकार से अग्नि पुराण में जैसा मैंने कहा है मारण प्रयोग होता है, और मनुष्य की कई बार तो तुरंत मृत्यु भी हो जाती है, जिसको हम घात प्रयोग कहते हैं या फिर कृत्या का प्रयोग कहते हैं। एक ये अग्नि अस्त्र होता है जिसके माध्यम से वो दिखाई तो नहीं देता है, परंतु जिसके ऊपर तंत्र किया जाता है उसकी मृत्यु हो जाती, पता ही नहीं चलता कि वो कैसे मर गया। जवानी में अचानक बीमार होता है और 12 घंटे 24 घंटे में समाप्त हो जाता है, वो समय ही नहीं देता है। बंदूक की गोली की तरह वो काम करता है और शत्रु को गिरा देता, एक्सीडेंट कर देता है, पागल कर देता है, मानसिक रोगी बना देगा, ब्रेन हेमरेज कर देगा, भयंकर ज्वर आ जाता है, भयंकर दस्त लग जाती है, लकवा लग जाता है, मानसिक उन्माद यानी पागलपन हो जाता है, मति भ्रम हो जाती है, कीटाणु फ्लेग लग जाते हैं, हैजा हो जाता है, महामारी फैल जाती है। तो तंत्र में क्या नहीं हो सकता, हर कुछ संभव है, बशर्ते कि व्यक्ति के ऊपर करने वाला व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हो। और ये मान करके चलें कई बार एक बार तंत्र करने से असर नहीं होता है तो दोबारा से करना पड़ता है, तिबारा से करना पड़ता है। जब हम बार बार किसी व्यक्ति के ऊपर एक जैसा तंत्र करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो ओरा है वह खंडित हो जाती है और व्यक्ति के ऊपर तंत्र विद्या लग जाती है। तो मनुष्य को तंत्र काटने के तरीके ज्ञान होना चाहिए। उसको यदि गंदे सपने आने लग जाए, बुरे सपने आने लग जाए, तो उस समय पे
तुरंत उसको इलाज करना चाहिए। शरीर में बीमारियां आने लग जाए, और आजकल ऐसा भी देखा गया है कि अदृश्य मार्ग से मनुष्य की ओरा को खंडित कर देते हैं, खिलाई पिलाई कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है, और वो व्यक्ति बहुत हल्के में ले लेता है इस चीज़ को और उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार मनुष्य घुट घुट करके मर जाता है, ऐसा रोग लग जाता है कि वो रोग कितना ही इलाज करा लो वो रोग ठीक नहीं होता है। पहले श्राप दिए जाते थे और वो श्राप लगते थे, जिसको श्राप दिया जाता था उसकी आध्यात्मिक शक्ति हट जाती थी और वह मर जाता था। तांत्रिक अभिचारी कर्म के माध्यम से प्रयोगकर्ता की शक्ति भी कम होती है। जैसे कि हम किसी कोई सांप यदि किसी को काट लेता है तो सांप एकदम निस्तेज हो जाता है, उसमें शक्ति नहीं होती, वह शक्ति रहित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई तांत्रिक कोई मारण प्रयोग करता है, उच्चाटन का प्रयोग करता है, अभिचारी कर्म करता है, तो उसको भारी परिणाम भोगना पड़ता है। वो उसको बीमारियां भी लग सकती है उस तांत्रिक को, उसको रिकवरी करने के लिए हवन पूजन करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर कुछ व्यय करना पड़ेगा, कुछ दवाई दारू भी लेना पड़ सकती है, फिर उसको भी खुद को भी अनुष्ठान करना पड़ते हैं। तो जिस प्रकार तंत्र द्वारा हम दूसरों का मारण मोहन उच्चाटन आदि अनिष्ट करते हैं, यह कार्य केवल कोई कुशल तांत्रिक ही कर सकता है, और एक्सपर्ट व्यक्ति इन अभिचारी कर्म को रोक भी सकता है और उन प्रयोगों को निष्फल भी किया जा सकता है, और कई बार तो वापिस भी भेजा जा सकता है। घात हो गई, कृत्या हो गई, चौकी हो गई, ये तांत्रिक लोग उलट करके वापिस फेंक भी देते हैं, तो फिर जो व्यक्ति कराता है और जो करता है उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। तो तंत्र विद्या में नीति, धर्म, मनुष्यता, ईश्वरी विधान, इनकी स्थिरता की दृष्टि से प्रयोग करते हैं, और ऐसा करना मेरे हिसाब से कृत्या प्रयोग करना, मारण महयोग करना, उच्चाटन का प्रयोग करना, यह सब एक तरीके से अनुचित और अवांछनीय है, नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के ज़माने में तंत्र को एक निषेध घोषित कर दिया है, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। बहुत लंबा चौड़ा काम है तंत्र के माध्यम से, नाड़ी की गति जो रहती वो अधिक हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों का हमला हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, अचानक से शारीरिक मानसिक बीमारी हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, अटैक आ जाता है, साइकेटी का अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, लकवे का अटैक आ जाता है, रात को डरावने सपने आने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि पलंग के पास कोई खड़ा है, हमारे सिर पे कोई खड़ा है, हमारी कंधों के ऊपर कोई ना कोई बैठा है। तो इसके बहुत से सबके उपाय भी हैं, इलाज भी है, यदि आप चाहें तो इलाज किया जा सकता है, हर चीज़ का इलाज उपलब्ध है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं, यदि कोई तंत्र कटवाना हो तो भी संपर्क किया जा सकता है, और यदि किसी को बीमारी है, गोली दवाई नहीं लग रही तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, यदि किसी को शरीर से बदबू आ रही हो तो भी संपर्क कर सकते हैं, किसी को गंदे सपने आते हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, यदि किसी को घर में डर लगता है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। परंतु जहाँ तक मैं अनुभव बोलता है कि तंत्र उसी व्यक्ति के ऊपर लगता है जो पिछले जन्म का भयंकर पापी मनुष्य होता है, कि वो पिछले जन्म में किसी ने किसी की हत्या करके आया हो, किसी की संपत्ति को हड़पा हो, किसी को घर से बेघर किया हो, किसी के बच्चे के ऊपर अत्याचार किया हो, किसी की धन संपत्ति को लूटा हो, यानी कि ऐसा कार्य किया हो जो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर ही तंत्र विद्या का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। जय माता दी,
जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप तंत्र काट सीखना चाहते हैं तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हवन यज्ञ पूजन करना चाहते हैं तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप तंत्र काट करवाना चाहते हैं तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मंत्र बोलना सीखना चाहते हो तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मंत्रों की दीक्षा चाहिए तो वो भी देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपसे भगवान से मिलने की इच्छा है तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, मेहनत आपको करना है। यदि आप जन्म पत्रिका बनाना सीखना चाहते हो, व्याख्या करना सीखना चाहते हो तो भी आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप वास्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस इनके ऊपर यदि आप कोई अनुसंधान करना चाहते हो, रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, इनके संबंध में कोई पीएचडी करना चाहता है तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेशनाशिनी पापनाशिनी दुरीतापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको निरोगी स्वस्थ काया प्रदान करे। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का अर्थ आप समझें और इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जप करें ताकि आपके जीवन में पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश हो, पिछले जन्म के पाप कर्म की जो हाई पोटेंसी है वो कम हो जाए, और यदि ईश्वर आपके जप से प्रसन्न हो गया, पसीज गया, तो वो आपको माफीनामा भी दे सकता है। यानी पिछले जन्म के पापों को फल को नहीं भोगना पड़ेगा, कम रूप में भोगना पड़ेगा और इस जन्म में आप सुखी रह सकते हो। यही आज का मूल मंत्र है। जय माता दी।